और मैं पहले ही कह रहा था कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन वो देश के मन की बात करते हैं कि अपने मन की बात करते हैं? वो अपने मन की बात करते हैं और हम आपके मन की बात करेंगे। यही फर्क है प्रधानमंत्री में और किसान आंदोलन में, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। साथियों, सूचना मिली कि भाई ऐसे आपका विधायक है, स्टेट का मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है अनूप धानक, जो यहां से चुन करके भी जाते हैं। साथियों, 10 तारीख को मेरी एक बार सबको प्रार्थना है, 10 तारीख को, 10 तारीख को हरियाणा की विधानसभा में हम वर्षों तक नेताओं को वोट देते रहे, वर्षों तक उनको विधानसभाओं में भेजते रहे, पहली बार 3 काले कानूनों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, देश विरोधी भाजपा के खिलाफ पहली बार जनता ने वोट मांगने का काम किया, लेकिन 55 विधायकों ने आपको वोट नहीं दिया। 55 विधायकों ने खट्टर को वोट दिया, मोदी को वोट दिया, WTO को वोट दिया, आपकी जमीन के खिलाफ वोट दिया, फसल नस्ल के खिलाफ वोट दिया, आपका वोट लेकर के गद्दारी की। और उन 55 गद्दारों में अनूप धानक भी एक महागद्दार है, जो हमेशा हमेशा के लिए पूर्व विधायक बन जाए, जिंदगी में कभी विधायक ना बन पाए, विधानसभा का दरवाजा ना देख पाए। साथियों, 55 लोगों में हमने वोट मांगे, उन्होंने कहां वोट दिए? अब बताओ, ये 55 आदमी दोबारा विधानसभा में पूछने चाहिए क्या? ये 55 आदमी कोई राजनीतिक कार्यक्रम में आने चाहिए क्या? ये किसी सुख दुख का हिस्सा बनना चाहिए क्या? ये 55 रावण है और इन रावणों के प्रदेश में पंजे ना टिके, उसके लिए हम आपसे सहयोग की अपील करने आए हैं, झोली फैला करके आपका साथ मांगने के लिए आए हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। कल हरियाणा में 4 कार्यक्रम थे, पहले से राजनीतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार था, अब इनके सामाजिक कार्यक्रमों का भी बहिष्कार होगा। कल 4 कार्यक्रम थे, कल पहली बार ऐसा हुआ कि जो ठगबंधन की सरकार है, भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी की सरकार है, उसका कोई भी नेता अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकल सका। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। भिवानी जिले में, भिवानी जिले के ईश्वरवाड़ में सांसद रणबीर सिंह का प्रोग्राम था, गुरुकुल झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यक्रम था, और इसी के साथ में करनाल जिले के निसिंग में धर्मपाल गोंदर का कार्यक्रम था, और कुरुक्षेत्र में रामकरण काला का कार्यक्रम था। सब लठ लेकर के स्वागत की तैयारी के लिए खड़े हुए और चारों ही कार्यक्रमों में इनको धूम दबा करके भागना पड़ा। यह आपकी जीत है, यह आपकी ताकत है। साथियों, आज भी, आज यहाँ संगठन का, अनूप धानक का, उसके साथ में गुरुकुल झज्जर में दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है, दुष्ट चौटाला भी कह सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ में खेल मंत्री संदीप सिंह का प्रोग्राम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के छपरा गांव में, और आज का ही कार्यक्रम यमुना नगर में रतनलाल कटारिया गांव चोरवाड़ा में। इन सारे कार्यक्रमों में कल इनके 4 कार्यक्रम फेल हुए, आज इनके 3 कार्यक्रम फेल करेंगे और इनको बताएंगे आंदोलन के साथ गद्दारी क्या होती है और जनता के साथ गद्दारी क्या होती है। इलाज करेंगे साथियों, और साथ पूछते याद रखेंगी कि जनता जिसका इलाज करती है उसकी 7 पीढ़ियां उस बात को भूलती नहीं। कभी भूलती हो तो बताओ, नहीं भूलती। मैं आपसे एक अपील और प्रार्थना करता हूं इसी के साथ, और यह हमारी चेतावनी है, यह भी चेतावनी है, यहां से अनूप धानक को चेतावनी दे रहे। आज ये सरकार विश्वास खो चुकी है, आज ये सरकार किसानों के साथ धोखा कर चुकी है, ये सरकार किसानों की हत्यारी है। अनूप धानक को उसी के क्षेत्र से ये बात हम कह रहे कि आवे तो लोग का सिर बनवा करके आना, लठ लेके तैयार बैठे, इलाज करेंगे, गंडा करेंगे, सीधी स्पष्ट बात है, आने नहीं देंगे। ये लोग समाज के दुश्मन है, ये लोग वोट लेकर के हमें बेचने वाले लोग हैं। ये जितने भाई हमारे बैठे, बुजुर्ग बैठे, युवा साथी बैठे, जहां भी अनूप धानक का, जहां भाजपा और जजपा
लोगों का हिसार में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, सारे पूछ जाना और अपनी ताकत दिखाना कि सरकार हम है, लोकतंत्र हमारे से है, हिंदुस्तान हमारे से है, देश के राजा आप हो जिनको सेवक बनाया था, जो अपने आप को राजा समझने लगे और जो राजा थे उनकी हालत सेवकों से बुरी कर दी, अब गुंडागर्दी किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। सारे जाओगे हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ, सारे जाओगे ना, जहां भी धानक अनूप धानक का प्रोग्राम होगा और कोई आपके एमपी का प्रोग्राम हो, कोई भी कार्यक्रम भाजपा जजपा वालों का हो, ये आपसे झोली फैला करके साथ आपका सहयोग मांगते हैं, आपका बेटा आपका भाई आपका साथ आपसे ये सहयोग चाह रहे कि इनके पंजे नहीं टिकने चाहिए। टिकट तो नहीं दोगे, पक्की बात है, इसीलिए आज आपके बीच में आए। और साथियों एक मैं आपको और अपील करता हूं, इस तरह की मुहिम चलाइए गांव में, ये 36 जात का आंदोलन है, ये सब धर्मों का आंदोलन है, ये सब वर्गों का आंदोलन है, रोटी सबको चाहिए, हमारी जमीनों पर कब्जे हो, रोटी ताले के अंदर बंद हो, बड़ी बड़ी कंपनियां भूख का व्यापार करें, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बात कहते हैं, या तो लाशें आएंगी या जीत करके आएंगे, चाहे भले ही फांसी टांग देना, अगर ये काले कानून रद्द नहीं हुए तो किसी कीमत पर घर लौट करके नहीं आएंगे, घर वापिस नहीं आएंगे, बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी। आज जरूरत है आप लगातार देखिए, मैं एक सहयोग आपसे और मांगता हूं, फसल कटाई का टेम आने वाला है, बहुत सारी जगह फसल कटाई शुरू भी होगी, एक तरफ फसल भी काटनी है और दूसरी तरफ बॉर्डर पे भी जाना है, यहां बहुत सारे गांव के लोग बैठे, इस तरह का सिस्टम बनाएं कि हर रोज एक गांव से राशन की गाड़ी बॉर्डर के ऊपर जरूर जाए, पाना वाइज गांव वाइज लगातार बॉर्डर के ऊपर अपनी हाजिरी देने का काम करेंगे। ये काम करोगे कि नहीं करोगे हाथ उठा करके बताओ, सारे करेंगे। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात, लगातार देखिए अभी हरियाणा का बजट पेश हुआ, दुष्यंत चौटाला कहा करता था 5100 दूंगा, कितने दिया, कितने की गई थी न्यूला भाई, दो नोट तो होंगे 2000 के लिफाफे के अंदर और दो नोट होंगे 500 के और ऊपर से 100 का नोट होगा, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने गैस की सब्सिडी खा ली, इन्होंने डीजल और पेट्रोल के रेट इतने बढ़ा दिए, किसान को डीजल चाहिए, गरीब आदमी को मोटरसाइकिल में डालने के लिए पेट्रोल चाहिए, कितने किए 100 पार किए कि नहीं किए? मोदी कहा करता था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहा करता था कि नहीं कहा करता था? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा और किसान की कर्ज मुक्ति करूंगा, कोई भी काम हुआ क्या? मोदी जी कहा करते थे अच्छे दिन आएंगे, किसी के अच्छे दिन आए क्या? आज ये बात हम कह रहे हैं, इस आंदोलन को जीत लो, सब वर्गों के अच्छे दिन आएंगे, हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे। साथियों इसको जीतने का काम करो। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम किया। इस आंदोलन ने क्या किया? सब धर्मों को जोड़ा, सब जातियों को जोड़ा, सब वर्गों को जोड़ा। इसलिए हम कहते हैं ये इनका झूठा नारा था, ये आंदोलन चल रहा है सबके साथ और सबके विकास के लिए आंदोलन चल रहा है। साथियों बजट पेश किया, बजट में क्या किया? हमें उम्मीद थी कि हरियाणा सरकार डीजल और पेट्रोल पर कम से कम वैट घटाएगी, और तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की थी, सोचा था कि हरियाणा की आम जनता को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन क्या हुआ? बजट के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। साथियों इसी के साथ में एक बात और आपके बीच में कहना चाह रहे, एक तरफ आंदोलन चल रहा, 280 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार के सारे हथकंडे फेल हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, बिजली वाले भी छापे मारने के लिए आगे, तारे भी गांव में आए होंगे, आए हैं कि नहीं आए? और मैं इस हसनगढ़ गांव से हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के बिजली निगम को यह स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं, अगर किसानों को परेशान
ऐलान किया और ठगी करने का काम किया तो मकोड़ा की चंडी का बांध के सुथरा इलाज करेंगे, बंधक बना लेंगे। सीधी और स्पष्ट बात है, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गलत बिल आ रहे हैं, बिल के नाम पे यहां भी गांव में आए होंगे, आसपास के गांव में भी आ रहे। हमने एक ही बात बोली है, सही बिल में बहुत बड़ी लूट कर रहे, गलत तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता। और मेरी आप सबको अपील और प्रार्थना है, न्यू कायाग्रह भाई काम राम हो है कि नहीं हो है? सारे इकट्ठे हो जाओ, बिजली वालों के हसनगढ़ के अंदर पंसे नहीं पड़ने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, सबकी आपकी जिम्मेदारी है। जब भी सूचना मिले सारे इकट्ठे हो जियो, डरने की जरूरत नहीं है कोई, ना हम इनकी जेलों से डरते, ना इनके मुकदमों से डरते और ना इनके हथकंडों से डरते। जब हम सब मिलकर के चल रहे तो निश्चित तौर पर हम जीतने का काम करने वाले हैं। इसी के साथ में दो तीन आगामी जो मैं कार्यक्रम आपके बीच में जो बताना चाहता हूं उसको भी आपने जरूर उस बात को नोट करना है और उसमें सहयोग करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा। एक मेरी आप सबको और अपील है, 18 तारीख को, 18 मार्च को हमारे आपके हिसार जिले के गांव डाया के एक भाई शहीद हुए, दिनेश सूरा, और एक भाई हमारे शहीद हुए थे राजवीर काली रामणा जी सिसाए गांव से। 18 तारीख को भाई राजवीर भाई हमारे दिनेश सूरा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक किसान पंचायत का आयोजन गांव डाया में किया। मेरी सबसे अपील और प्रार्थना, अपने शहीद भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए, आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक किसान महापंचायत भी उस दिन रखी वहां पर, हम सारे वहां पहुंचेंगे। तो आपने सारे लोगों को वहां भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का काम करना। इसी के साथ में साथियों, भारत बंद की अलग अलग, कल 15 तारीख को कॉरपोरेट विरोधी दिवस है, ज्ञापन दिए जाएंगे, और 19 तारीख को मंडियों के बाहर प्रदर्शन है, 23 तारीख को शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीदी दिवस है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं जो आपसे साथ मांगना चाहता हूं, 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है, और 26 तारीख को ऐसा भारत बंद करना है जो आज तक ना हुआ हो, इस जन आंदोलन के साथ हर फर्क खड़ा दिखाई दे और पूरे देश का चक्का चाम रहे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सबसे साथ मांग रहे, सभी संगठनों से, व्यापार मंडलों से, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, मजदूर संगठनों से, सबसे सहयोग साथ मांग रहे, मीटिंगें कर रहे। मेरी आपसे अपील है कि 26 तारीख को भारत बंद की कॉल है, जिसको आपने पूरा करने का काम करना। और अंत में एक ही बात कहूंगा आपको कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, ये अब जमीर और जमीन दोनों को बचाने की लड़ाई है। हम रहें या ना रहें, लेकिन हम दो, हमारे दो, कौन है हम दो? अमित शाह और मोदी, और उनके दो कौन है? अडानी अंबानी। हम दो और हमारे दो इन गुजराती गुंडों की गुंडागर्दी को बंद करेंगे, इनकी सात पुश्ते हमारी जमीनों की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकेंगी, ये इलाज हमने करने का काम करना है। साथियों, आज लगातार पूरा देश आपके साथ खड़ा, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में चुनाव है, सभी नेतागण बंगाल में भी जा रहे, आसाम में भी जाएंगे, दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, और जो देश विरोधी भाजपा है उसको 5 राज्यों में धूल चटवाने का काम करेंगे और अपने आंदोलन को शिखर में ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा पूरी ताकत के साथ लगा हुआ, और बंगाल की किसान पंचायतों में बहुत भीड़ उमड़ रही, हमारे नेताओं को सुनने के लिए बहुत बड़ी जनता वहां पर आ रही। निश्चित तौर पर बंगाल में मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। और मेरी आपसे अंत में फिर यही अपील है, आपको एक ही बात मैं मांग रहा कि किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में अनुपधानक हो, भाजपा का कोई नेता हो,
भाजपा का कोई नेता उसके पंजे मत टिकन दियो, और जो उनको बुलाए तेरवी की चिट्ठी दे, जो उनको अपने ब्याह में बुलावे उसका भी सामाजिक बहिष्कार करना गांव में, तब जाकर के पता चलेगा ये अपने कुर्बे के साथ खिलाफत का मतलब क्या होता है। पहले तो उन्हें संवार लियो जो इनको बुलावे, ये जिम्मेवारी है कि नहीं है? जो इसको बुलाए गांव में, पहले उसका घर घेरो, उसके घर का घेराव करो, और ना माने तो समाज में उसका बहिष्कार करो। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो जो इन गद्दारों को अपने घर बुलाने का काम करता है। साथियों, ये काम करोगे कि नहीं करोगे? जो इनको बुलाएगा क्या करोगे? उसके घर का घेराव करेंगे, और नहीं मानना तो फिर सामाजिक बहिष्कार करेंगे, और गांव को सील करके एक रास्ता रखेंगे। जो आएगा वो चेक हो के जागा, चेक हो ब्याह हो। अभी कुंगड़ वालों ने किया, हमारे भिवानी जिले में गांव है कुंगड़, जैसे ही सूचना मिली बोला भाई जेपी दलाल आओ है। हमारी माताओं बहनों ने सबने मिलकर के गांव को सील किया चारों तरफ से, और एंट्री पॉइंट के ऊपर नाका लगा दिया। शादी के अंदर बारात की गाड़ियां भी चेक करके भेजी गई कि जेपी दलाल कहीं मुंह छुपा करके और वहां पूछ ना जाए। ये काम सबने करना है, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तैयार रखो, लक्ष्य डरेंगे लोग, सीधी स्पष्ट बात है। और पूरी तैयारी रखो, जब तक आंदोलन चले कोई दूसरा काम जरूरी नहीं, केवल और केवल आंदोलन के ऊपर काम करें। आपके गांव में पहले भी आए, दोबारा मौका मिला, बहुत सहयोग है इस पूरे क्षेत्र का, इस गांव का किसान आंदोलन में। मैं आपके संघर्ष को, आपके सहयोग को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जहां हमारी जरूरत पड़े उड़े तुरंत बुला लियो, तुरंत वहां पूछेंगे, और सब मिलकर के इस किसान आंदोलन को गति देने का काम करेंगे, इसको तेजी देने का काम करेंगे, और हम सब मिलकर के एक ऐसा देश बनाएं जो पहले न्यू कहा करते सोने की चिड़िया। इस आंदोलन को अगर जीतेंगे और हम मजबूत रहे तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाने का काम ये देश के लोग करने वाले हैं। सोने का शेर आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा देश देकर के जाएं, हम चाहे दुख में रहे तकलीफ में रहे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे भाई बहने, वो कम से कम किसी तकलीफ से ना गुजरे, एक समृद्ध और एक अच्छा देश दे। और इस देश से लूटपाट, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी को खत्म करके, जो 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी आपके पूर्वज जो अपनी जान दे करके चले गए, उनके सपनों का भारत बनाए, उनके सपनों का हिंदुस्तान बनाए, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरी सबसे यही अपील है, आपका जीवन अच्छा हो, आंदोलन में आप पूरी ताकत लगाएं, हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपने बहुत लंबे समय इंतजार भी किया, सुना, उसके लिए भी धन्यवाद है। और एक आपसे एक चीज और भी मांग रहा है, हमारे बड़े भाई जोगेंद्र नैन जी जो बहुत हमारे योद्धा हैं, उनको भी जरूर सुन करके जाएंगे। उसके बाद आज की पंचायत का समापन करेंगे। सभी आयोजक जितने हमारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और अनूप धाणक का कार्यक्रम आप लोगों ने मिलकर के फैल किया, उसके लिए आपको बड़ी बधाई है। और कह रहे बोला कल भी आ सके, तो कल भी आ सके तो मखा भाई हसनगढ़ वाले आसपास वाले इधर है जा रहे कोनी कद्दे आजियो भाई, पूरी सरकार को चेतावनी है साथियों। और मेरे साथ जोरदार नारे लगा देंगे, किसान एकता जिंदाबाद, एक के भी हाथ नीचे ना रहे, जोरदार। उसके बाद सीधा ही जोगेंद्र नैन जी बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। लेकिन आखिरी नारा मैं बोलूंगा, ना धर्म का ना साइंस का, आपने बोलना है मोदी है रिलायंस का, ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का, धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का, ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद, जय किसान।